तो दोस्तों आज आपके सामने हाजिर है 2024 की न्यूली लेटेस्ट लॉन्च होंडा की तरफ से NX 500 एडवेंचर टूरर ऑफ रोडिंग बाइक। इसमें पुराने वाले मॉडल से क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इसकी माइलेज क्या रहने वाली है, ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, क्या ये हिमालयन 450 से अच्छी है या बुरी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो भाई ऊपर में आपको एक बड़ा सा विंड स्क्रीन का ग्लास मिलता है ट्रांसपेरेंट में, और यहाँ पर होंडा की वेजिंग आपको मिलती है। एलईडी वाले विंकर्स मिल जाते हैं जिसमें हैजार्ड स्विच भी आपको मिल जाएगा। स्प्लिट एलईडी हेडलाइट आपको मिलती है। नीचे में एलईडी डीआरएल दी गई है छोटी सी, नीचे में हाई बीम है, ऊपर में आपको लो बीम मिलती है। हाई बीम को भी मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह की आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी। और भाई बाइक की बॉडी प्रोफाइल की बात करूँ तो ये पूरी तरह से एक एडवेंचर टूरर बाइक है। अगर आप चाहो तो इसको ऑफ रोडिंग में भी यूज कर सकते हैं। फ्रंट में 41mm के अपसाइड डाउन USD फॉर्क आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। ये जो फॉर्क हैं वो आपको शोभा कंपनी के मिलते हैं। सबसे अच्छी बात भाई इसमें डबल डिस्क आपको मिल जाती है, यामी डिस्क है, वामी डिस्क है, मतलब कि 296mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है। डुअल चैनल ABS मिलता है, जैसन के कैलिपर, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर, और सस्पेंशन में लीकेज वगैरह की दिक्कत ना हो तो मडगार्ड को थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह ना जाए। मडगार्ड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बाइक की। और टायर की अगर मैं बात करूँ तो 110/80/R19 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। टायर की जो ग्रिप है वो पूरी पूरी आपको ऑफ रोडिंग वाली मिलती है, ब्लॉक पैटर्न वाला टायर आपको मिल जाता है। पीछे मैं लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर 240mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, पीछे भी ABS आगे भी ABS। यहाँ पर जो टायर है वो है 160/60R17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है भाई। ये भी ब्लॉक पैटर्न वाला टायर दिया गया जिससे ऑफ रोडिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 160mm का वाइड और चौड़ा टायर है। पीछे में जो एलॉय है वो आपको 17 इंच का मिलता है। और भाई सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो पीछे वाला जो सस्पेंशन है ये आपको प्रो लिंक मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और जो फुटपैक्स हैं राइडर वाले ये आपको थोड़े से पीछे मिलते हैं, जो कि एल्यूमिनियम के साथ आपको रबड़ प्लस जो कि फोल्डेबल दिए गए। और ये जो मफलर गार्ड है ये मैट सिल्वर कलर में दिया गया, ग्रे कलर में, जो कि मेटल का, ये भी मेटल का, ये भी मेटल का है। ट्विन बैरल टाइप का एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी ये जो फ्रेम है ये आपको डायमंड स्टील फ्रेम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अगर मैं भाई इंजन की बात करूँ तो ये है इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन। इसमें 471cc का पैरेलल ट्विन डबल सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, DOHC डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ, जो कि लिक्विड कूल्ड वाला है, जिसमें यहाँ पर एक बाकायदा एक बड़ा सा रेडिएटर का भी कंपनी ने इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इंजन ओवरहीट बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। और ये है इसका ऑयल फिल्टर जो कि कार जैसा दिया गया है। ये है इसका कैटलिटिक कन्वर्टर और ये है इसका ऑक्सीजन सेंसर। और यहाँ पर बाकायदा सेफ्टी के लिए एक इंजन गार्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन आपको 47.5 PS की मैक्स पावर देता है 8600 RPM पर, और जो 43 Nm का जो टॉर्क है वो आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो कंपनी इस बाइक का जो माइलेज है वो क्लेम करती है 27 किलोमीटर प्रति लीटर का। 196 किलोग्राम की ये बाइक है और साइड काउल के ऊपर में NX की वेजिंग है, जैसा कि 500cc के इंजन के साथ आती है। और भाई ये जो ग्रैब हैंडल आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, लंबी चौड़ी सीट आपको मिल जाती है। सीट कम्फर्ट की अगर मैं बात करूँ तो एकदम ऑफ रोडिंग जैसी बाइक वाली सीट यहाँ पर इस्तेमाल की गई। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम आपको मिल जाती है। और इसमें 830mm 830mm की सीट हाइट है। ग्रैब हैंडल आप देख ही सकते हैं, पीछे वाली पिनियन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और जो टेल लैंप है वो आपको LED में मिल जाएगी, पूरी की पूरी LED वाले विंकर्स आपको मिल जाएंगे। नीचे में रिफ्लेक्टर है और नंबर प्लेट के लिए भी आपको एक सेपरेट लाइट दी गई है। और ये जो टैंक आप देख रहे हैं ये मेटल बॉडी का टैंक है, जो कि 17.5 liter का मेटल बॉडी का टैंक आपको मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच आपको मिलेगा। ये जो बॉडी पैनल है साइड वाले ये भी आपको प्लास्टिक बॉडी के मिल जाते हैं, लेकिन जो फिट एंड फिनिश है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। कोई भी गैप वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा पैनल वगैरह में, ठीक है। और कंसोल की तरफ चलते हैं तो भाई यहाँ पर आपको जो हैंडल बार है वो अपराइट मिल जाती है, तो बाइक को चलाते समय आपको झुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे वाला जो ब्रेक लीवर है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, अगर आप चाहो तो अपनी उंगलियों के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इंजन के नीचे में हैजार्ड और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट। चाबी यहाँ पर आपको दो मिल जाती हैं, वेब की आपको मिलती हैं होंडा की ब्रांडिंग के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है देखने में भी। और शोभा कंपनी के सस्पेंशन है आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर विंड स्क्रीन दिया गया है और भाई इसमें आपको 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले आपको मिल जाता है।
जिसके साइड में ABS की वार्निंग लाइट है, यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको स्विचेबल मिल जाता है, अगर आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। ऊपर में टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको मिलती है भाई हेडलाइट की वार्निंग की इंडिकेशन। यहाँ पर HISS लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि होंडा इग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम आपको मिलता है। ये एक तरह से मान सकते हो कि ये की इमोबिलाइजर वाले फीचर्स है। अगर इस चाबी के अलावा कोई भी दूसरी चाबी इसमें लगाने की कोशिश करता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी कंसोल फीचर्स की बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पर चेक इंजन की लाइट दी गई है, ABS की लाइट है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज, यहाँ पर आपको ऑयल इंडिकेटर दिया गया, एरर इंडिकेटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, फ्यूल गेज है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, बाइक कौन से गियर में चल रही है, और मीटर कंसोल को एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको एक सेपरेट बटन मिलता है, जैसा कि ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एक ही बटन से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं इसको राइट में मूव करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज कॉन्स्टेंट माइलेज यहाँ पर दिखा रहा है 23 KMPL का, हालांकि कंपनी क्लेम करती है 27 का ये देती है 1 लीटर पेट्रोल में। अब यहाँ से हम सेटिंग के अंदर में आ चुके हैं, यहाँ पर फंक्शन आप देख सकते हैं, शिफ्ट पॉइंट, ट्रिप ए, ऑटो रीसेट, HISS, ठीक है। डिस्प्ले में जा सकते हैं, डिस्प्ले का टाइप आप सेलेक्ट करके चला सकते हैं, अगर आपको डिस्प्ले गोल रखनी है, सिंपल रखनी है, या फिर थोड़ी सी लंबी रखनी है बार टाइप की। ब्राइटनेस को आप ऑटो पे भी कर सकते हैं, मैनुअल पे भी कर सकते हैं, नीचे में बैकग्राउंड है तो आप डिस्प्ले को वाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, ऑटो पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे में फेवरेट इन्फो है, जनरल इन्फो में जाते हैं तो भाई डेट टाइम को सेट कर सकते हैं, नीचे में यूनिट है, यहाँ पर स्पीड आप देख सकते हैं, टेम्परेचर क्या है इंजन का, फ्यूल कंजप्शन क्या आ रहा है, मतलब कि माइलेज वगैरह क्या दे रही है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ मतलब कि यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, अब इसमें ब्लूटूथ वाला जो फीचर्स है वो आ गया है, पहले वाले मॉडल में आपको नहीं मिलता था। सर्विस में जाते हैं तो भाई मेंटेनेंस में आप जा सकते हैं अंदर में, तो यहाँ पर पेरियोडिक मेंटेनेंस, और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जो भी होगी इसकी दिखा देगा, ऑयल चेंज आपको कब कराना है, कितने किलोमीटर पर, बैटरी की वोल्टेज है, वाटर टेम्परेचर है, वार्निंग इन्फो है, कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इक्विपमेंट में जाते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिखा देगा, अगर आप अपडेट करना चाहें तो यहाँ से भी फ़ोन के द्वारा कनेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको स्विचेबल ABS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको स्विचेबल मिल जाता है, और भाई यहाँ पर आपको पासिंग, और यहाँ पर आपको मिलता है भाई हॉर्न, यहाँ पर इंडिकेटर का बटन मिल जाता है, और ये जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, क्योंकि इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से जो गियर है वो बहुत जल्दी जल्दी डलने वाले हैं। और गियर की बात कर लेते हैं तो भाई इसमें आपको 6-speed गियर बॉक्स आपको मिल जाता है, 6 गियर आपको बाइक में मिलते हैं विद स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ, ठीक है। इंजन आपको पूरा का पूरा लिक्विड कूल्ड वाला मिलता है, कूलेंट का पाइप यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। और राइडर वाले जो फुट पैक्स हैं वो भी फोल्डेबल हैं, ये स्विंग आर्म आप देख रहे हैं ये मेटल बॉडी का है, और ये सील वाली चैन आपको मिल जाती है, ओपन चैन सेट कवर है। तो अब मैं आपको बाइक का एग्जॉस्ट और इंजन का साउंड भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है इंजन देखा जाए तो। अगर हम प्राइस की बात करें तो होंडा NX500 की जो एक्सोरूम कीमत है वो है 5,90,000, 5,90,000, और इसकी जो अप्रॉक्स ऑन रोड कीमत रहने वाली है वो है 6,91,000, 6,91,000 रुपीज़। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है होंडा बिग बैंग नॉर्थ कोलकाता चिनार पार्क शोरूम की। अगर आप कोलकाता हावड़ा हुगली आसपास से हैं और होंडा बिग बैंग की कोई भी बड़ी वाली CC वाली बाइक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाइक की टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।